नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज विश्व भूगोल के साथ, जी हाँ, लेकिन थोड़े नए कलीवर में, नए स्टाइल में। हम यहाँ पर न केवल भौतिक भूगोल जानने का प्रयास करेंगे, बल्कि राजनीतिक भूगोल भी जानेंगे। भौतिक भूगोल मित्रों मतलब कि केवल मैप का अध्ययन, या पड़ोसी देशों का अध्ययन, या किस देश की सीमा किस देश से सटी हुई है, कहाँ पर कितने नदियाँ नाले पहाड़ हैं, बस ये होता हमारा भौतिक भूगोल। जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मित्रों यदि उसके साथ राजनीतिक भूगोल भी जोड़ दिया जाए तो हम विश्व को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर हमको विश्व इतिहास का वर्णन करना है या जानना है, विश्व इतिहास को जानना है, और वो जानना जरूरी भी है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई पीएससी हो, तो अगर भूगोल को हमें अच्छी तरह जानना है, खास करके विश्व भूगोल को, तो हमें राजनीतिक इतिहास भी जानना होगा। किस देश का कौन सा राजनीतिक इतिहास है और भूगोल से क्या संबंध है उसका, अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारा ज्ञान सतही होगा मित्रों। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको राजनीति के बारे में, यानी अलग अलग देशों के मुख्य मुख्य राजनीतिक उठा पटक और वहाँ के राजनीतिक तंत्र को जानने का प्रयास करें। क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, तभी हम अच्छी तरीके से विश्व युद्ध को समझ सकते हैं और विभिन्न क्रांतियों को समझ सकते हैं। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। अगर हम केवल भूगोल जानते हैं, भौतिक भूगोल मानचित्र वाला, केवल बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्शन जानते हैं, तब यह अपर्याप्त होगा कोई भी चीज जानने के लिए। तो मित्रों, हमने प्रयास किया है कि राजनीति को भी जाने, विश्व के राजनीतिक इतिहास को भी जाने, मुख्य मुख्य देशों के बारे में जाने, क्या खासियत है, क्या कारण रहा इन युद्धों का, क्या कारण रहा इन क्रांतियों का, सब पढ़ेंगे। तो आज मैंने सात महाद्वीपों में से पहला महाद्वीप लिया है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। हम दो को पढ़ेंगे मित्रों बहुत ज्यादा डिटेल में, वह एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। क्यों? क्योंकि एशिया और यूरोप अगर हम पढ़ लेते हैं कायदे से, राजनीति और भूगोल दोनों पढ़ लेते हैं, तो विश्व इतिहास के 90% लगभग कवर हो जाते हैं। केवल अमेरिकन इतिहास को, अमेरिकन क्रांति को अलग से पढ़ना होगा हमको। तो आज हमारा चैप्टर एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, जैसा कि हमको मालूम है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे ज्यादा देश हो ना हो लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसको अगर एक साथ जानना हो तो थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने प्रयास किया कि इसको खंड खंड में तोड़ तोड़ के जाना जाए। जी हाँ मित्रों, रूस को जानना है तो रूस से सटे हुए को जाने, भारत को जानना है तो भारत के सटे हुए को जाने, अरेबियन कंट्री को जानना है तो उनको अलग से जाने, राजनीति और भूगोल के साथ। तो आज मैंने लिया है एशिया महाद्वीप में सार्क देश। सार्क मित्रों आपने सुना होगा, सार्क दक्षिण एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हम लोग विश्व के नक्शे में अगर हमको देखा जाए तो हम लोग दक्षिण एशिया में आते हैं। एशिया में तो ही है भारत, जी हाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तो ये हमारा पोर्शन है। तो हम लोग दक्षिणी एशिया में आते हैं, तो दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सार्क मित्रों दक्षिण एशिया के कुछ देशों का ऐसा संगठन है जिन्होंने फैसला किया कि कुछ हमारा भी संगठन होना चाहिए। उन्होंने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज कई संगठन बनाए हैं, अमेरिकन कंट्रीज कई संगठन बनाए हैं अपने क्षेत्रीय हितों को साधने के लिए, तो क्यों ना हम बनाए। तो भारत के कुछ पड़ोसियों ने मिलकर आपस में निर्णय लिया कि चलिए हम भी अपने दक्षिण एशिया के जो देश हैं, कम से कम उनमें अच्छी भावना, अच्छा व्यापार, अच्छा सांस्कृतिक गुणवत्ता, राजनीति, धर्म, इतिहास, कोई भी चीज को समृद्धि के लिए चलो हम भी प्रयास करते हैं। और इन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाते हैं कि कम से कम साल भर में, 2 साल में मिलेंगे, सचिवालय में बैठेंगे, सचिव स्तर की वार्ता होगी तो और प्रगाढ़ता होगी और दोस्ती होगी। और पड़ोसी जब दोस्त है, वास्तव में घुले मिले हैं, जैसे हमारे आम जीवन में भी होता है कि पड़ोसी घुले हैं तो किसी बाहरी की औकात नहीं होती कि हमारे ऊपर हमला करे, चाहे वो राजनीतिक हमला हो, सांस्कृतिक हमला हो, आर्थिक हमला हो, सामाजिक हमला हो। तो इन लोगों ने मिलकर, खास करके सात देशों ने मिलकर
आपस में 1985 में एक संगठन बनाया मित्रों, सार्क एक संगठन बनाया 8 दिसंबर 1985 को भारत के कुछ पड़ोसी मित्रों ने, पड़ोसी देशों ने मिलकर आपस में किस लिए बनाया, क्षेत्रीय सहयोग के लिए, है ना, रणनीतिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, कूटनीतिक सहयोग के लिए, सामाजिक सहयोग के लिए, व्यापारिक सहयोग के लिए आपस में एक उन्होंने संगठन बनाया 8 दिसंबर। जी हाँ मित्रों, 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है, सार्क दिवस। हर वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। तो इसको 7 देशों ने मिलकर 1985 में बनाया, 7 देश। तो ऐसे याद करेंगे मित्रों तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल भी सकते हैं, है ना। तो हम लोग नक्शे के माध्यम से देखते हैं, बिल्कुल इजी। भारत के 7 पड़ोसी देशों ने मिलकर, म्यांमार को छोड़ दिया जाए यदि, म्यांमार नहीं है इसमें, अदरवाइज सारे पड़ोसी देश हैं। देखिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए मित्रों, अफगानिस्तान की सीमा बहुत थोड़ा सा लगी हुई है भारत से, मात्र 46 किलोमीटर यहाँ पर। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव, मालदीव थोड़ा सा दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में एक देश है जो कि हमारे लक्षद्वीप के नीचे है। मित्रों हमारे 2 द्वीपीय प्रदेश हैं, आपको मालूम होगा, एक इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक इधर लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार यह भी समंदर में है, जनरली लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोगों को जानकारी अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नीचे एक देश है मालदीव, माले, मालदीव। तो ये 7 देशों ने मिलकर 1985 में सार्क देश की स्थापना की। जी हाँ, सार्क का फुल फॉर्म देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रटिए मत मित्रों, देखिए बड़े आराम से याद हो जाएगा आपको। साउथ एशियन एसोसिएशन माने दक्षिण एशिया का एक संघ है, किसके लिए, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए, आपस में आपसी सहयोग के लिए केवल बनाया है, विदेशी सहयोग से कोई लेना देना नहीं है, आपसी सहयोग। जी हाँ, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक दक्षिण एशिया की संगठन। तो इन्होंने ये बनाया कि चलिए हम आपस में अपना सब कुछ संतुलित ढंग से करते रहेंगे। जी हाँ, 8वां देश मित्रों, इसमें मैंने 8 देशों 8 देश का नाम लिया। तो अफगानिस्तान उस समय नहीं था, मात्र ये थे 1 2 3 4 5 6 7। आपने सोचा होगा कि 8 का नाम लिया तो मात्र 7 देश थे, लेकिन 2007 में दिल्ली में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अफगानिस्तान को भी, जी हाँ, अफगानिस्तान को भी दर्जा मिल गया इसके सदस्य देशों का। क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था कि आप लोग हमको छोड़ दिए, हम भी पड़ोसी हैं, हम भी आपस में मित्रता करना चाहते हैं। तो कई बैठकें हुई, लेकिन 2007 में दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अफगानिस्तान को दे दिया गया दर्जा 8वें सदस्य का। तो इस समय मित्रों सार्क देशों में 8 देश हैं। आपको मालूम होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो अपने शपथ समारोह में उन्होंने सार्क देशों को इनवाइट किया था, इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी आए थे, जबकि दोनों में बड़ी खटास थी दोनों के रिश्तों में, लेकिन फिर भी लोग आए थे। और इस बार मित्रों आपको मालूम होगा कि इस बार 2018 के जनवरी में एक नई चीज़ होने जा रही है। हमारे 26 जनवरी के मुख्य गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में 8ों सार्क देश के लोग आने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में। पहली बार मल्टी गेस्ट सिस्टम होने जा रहा है फिलहाल। तो ये 8 देशों ने मिलकर, मतलब 7 देशों ने बनाया, 8वां देश ही शामिल हुआ, सार्क कंट्रीज। जी हाँ, इसका सचिवालय है या मुख्यालय मित्रों, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू।
नेपाल में, यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय, एक जगह कोई संस्था बनती है तो उसका मुख्यालय जरूर होता है, तो हेड क्वार्टर इसका यहाँ पर है। और इसका जो सचिव होता है, महासचिव, महासचिव मित्रों, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसका एक मुखिया होता है, तो यहाँ का मुखिया एक महासचिव होता है जो कि वर्णमाला के अनुसार हर तीसरे साल चुना जाता है। वर्णमाला जैसे अफगानिस्तान पे पहला आएगा क्योंकि ए से शुरू है, जी हाँ, बी से बांग्लादेश आएगा, सी से नहीं कोई है, तो मतलब वर्णमाला के अनुसार सबका चुनाव होता है एज ए महासचिव के रूप में, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए होता है, जी हाँ। और जहां तक रही शिखर सम्मेलन की बात, शिखर सम्मेलन की बात, यह कभी 1 साल पर, कभी 2 साल पर, कभी 4 साल पर, कभी 3 साल पर, कोई फिक्स नहीं है मित्रों। हमारा पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था, इसकी स्थापना भी ढाका में हुई थी, तो 1985 में इसकी शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ और उसके बाद से 18 सम्मेलन हो चुके हैं। अभी तक शिखर सम्मेलन में 18 हो चुके हैं। 19वां इस्लामाबाद में 2015 में होना था, नहीं हो पाया, खास करके 2000 लास्ट में आया, वो खिसकते खिसकते 2017 में भी, लेकिन दोनों के रिश्तों के खटास के चलते, खास करके पाकिस्तान ने, अरे भारत ने उसका विरोध किया, बायकाट किया, और कुछ लोगों ने बायकाट किया, इसलिए नहीं हो पाया वो, और आने वाले समय में कहाँ होगा अभी निश्चित नहीं है। तो कुल मिला जुला करके शिखर सम्मेलन तो बदलते रहते हैं, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं, 19वां सम्मेलन कहाँ होगा नहीं मालूम। हाँ, हमको एक चीज ज्यादा जानना जरूरी है कि भारत में 3 सम्मेलन हुए हैं, पहला 1986, जी हाँ, बंगलुरु में 1986 में, जस्ट 1 साल बाद 1995 में दिल्ली, और 2007 दिल्ली, 2007 दिल्ली, इसी में अफगानिस्तान को बनाया गया था 8वां सदस्य। तो हमारे भारत में 3 सम्मेलन हो चुके हैं, पूरे सम्मेलनों का 18 को जानने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 86, 95, 2007, 3 को हमको जानना है मित्रों, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं, देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इतना लगभग सभी जानते हैं या आपको हर जगह मिलेगा, अब कुछ और चीजें जानते हैं। देखिए मित्रों, हम सातों देश को एक एक करके चलेंगे, एक एक राजनीतिक इतिहास जानेंगे, लेकिन अगले चैप्टर में, जैसे हम यहाँ का पूरा इतिहास जानेंगे, श्रीलंका का, बांग्लादेश का जानेंगे, इसके दूसरे पार्ट में जस्ट बांग्लादेश को जानना है कि बांग्लादेश बना कैसे, क्या इतिहास है बांग्लादेश का, नेपाल का क्या इतिहास है, भूटान का क्या इतिहास है, जी हाँ, पाकिस्तान को तो जानेंगे, बकायदे जानेंगे, क्या यहाँ का इतिहास क्या है, कितने यहाँ पर जनरल हुए, क्या कैसे लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि निरंकुश तंत्र है क्या है, अफगानिस्तान को भी जानेंगे, कैसे वार हुआ था रसिया के साथ, जो भी है सब कुछ एक एक देश को जानने का प्रयास करेंगे। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर मुख्य मुख्य चीजें क्या है, जैसे अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं है, सार का कोई भी सेंटर नहीं है अभी तक, क्योंकि नया नया देश बना हुआ। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सार्क ऊर्जा केंद्र है, सार्क ऊर्जा केंद्र है, और सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र है, मानव संसाधन विकास केंद्र है, ठीक है मित्रों। तो पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के पाकिस्तान देश में ये सार्क के दो संस्था हैं, ऊर्जा केंद्र, सार्क ऊर्जा केंद्र, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, एकदम पलट मान लीजिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं पाया जाता है, ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं है, और मानव संसाधन, अब मैं नहीं कहूँगा, बस आप समझ जाइए कि याद करने का तरीका है कि एकदम जस्ट अपोजिट क्वालिटी को दिया हुआ है, ऊर्जा केंद्र और मानव संसाधन विकास केंद्र। नेपाल में, नेपाल में
सार्क तपेदिक केंद्र। जी हाँ मित्रों, तपेदिक माने, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो तपेदिक केंद्र यहां पर है ना, हमने सार्क में लिख दिया। फिर और क्या, सार्क सूचना केंद्र, ये दो यहां पर है। यानी टीबी की सूचना मिल चुकी है कि यहां पर टीबी मनमान है। याद अपने तरीके से आप जो भी फार्मूला लगा सकते हैं लगाइएगा। तो सार्क तपेदिक केंद्र है, टीबी केंद्र, और सार्क सूचना केंद्र है। यानी हमको सूचना मिली है कि नेपाल में बहुत, अब चूंकि नेपाल गरीब ही है, तो गरीब है तो वहाँ टीबी के मरीज भी ज्यादा होंगे। गरीब इन द सेंस कि बहुत अच्छे पहुंच पर नहीं है, क्योंकि दो देशों के बीच में पिसा हुआ देश है, इधर इंडिया उधर चाइना। तो लोग अपने अपने हित साधने के लिए नेपाल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गरीब है, क्योंकि यहाँ पर अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है मित्रों, बताइए? नेपाल अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? कभी नहीं मनाता, क्योंकि कभी गुलाम हुआ ही नहीं। तो नेपाल का एक अलग इतिहास रहा है। 80 से 85% यहाँ पर आज भी हिंदू हैं, और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र भी है, लेकिन घोषित नहीं है। कुल मिला जुला कर यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें बहुत हैं, लेकिन जनरली बहुत उच्च अवस्था में नहीं है। इसलिए जाने कि तपेदिक केंद्र यानी टीबी के मरीज लोग ज़्यादा हैं, सूचना मिलती रहती है हमेशा, उस ढंग से आप याद करिए, ठीक है? बांग्लादेश में मित्रों, बांग्लादेश में सार ढाका में है, ये तो सार कृषि केंद्र है, कृषि केंद्र, और सार मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र। अब ये भी दोनों आराम से याद कर सकते हैं कि कृषि है तो मौसम विज्ञान से बहुत ज्यादा रिलेशन है, क्योंकि मौसम ही बताएगा कि नहीं कृषि अच्छा होगा कि बुरा होगा। हो सकता है बारिश अच्छी हो सकता है बारिश गंदी हो, तो हमारा कृषि पे फर्क पड़े। तो ये दोनों आप इस ढंग से याद करिएगा, सार्क कृषि केंद्र और सार्क मौसम विज्ञान केंद्र। हमारे इंडिया में मित्रों तीन है, सार्क प्रलेय केंद्र, डॉक्यूमेंटल सेंटर जो है, प्रलेय केंद्र है मतलब कि सार से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट हैं हमारे दिल्ली में रखे जाते हैं। दिल्ली में है ये, दिल्ली में सार्क प्रलय केंद्र, सार्क विश्वविद्यालय। जी हाँ मित्रों, अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में ये भी है। और एक क्या है, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र। डिजास्टर माने तबाही, कोई ऐसी तबाही आती है, दुर्घटना होती है, प्राकृतिक तबाही, कोई भी ऐसा है ना, भूकंप और ज्वालामुखी, कुछ भी ऐसा, तो उसको मैनेज करने का सेंटर कहाँ है? हमारे भारत में है, हमारे भारत में, इंडिया में है। तो ये तीन केंद्र हमारे इंडिया में है, तीन केंद्र हमारे इंडिया में, ध्यान दीजिएगा, तीन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ बांग्लादेश में। भूटान में आता है सार्क वानिकी केंद्र या फॉरेस्ट्री केंद्र, लेकिन अभी ये निर्माणावस्था में है, अभी इसका निर्माण हो रहा है, बन रहा है, निर्माणावस्था में वानिकी यानी सार्क फॉरेस्ट्री केंद्र आप दिमाग में लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भूटान पहाड़ियों पर है, खूब अच्छे अच्छे वहाँ जंगल भी हैं, पहाड़ी भी हैं, तो वन है, तो वन का केंद्र इसलिए वहाँ, यहाँ पर बनाया गया भूटान में। मित्रों हम इसको डिटेल जानेंगे, ये डोकलाम विवाद क्या था और क्या क्या चल रहा है भारत चाइना युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, इसको देखेंगे। और बचा श्रीलंका, तो यहां पर है सार्क सांस्कृतिक केंद्र, सार्क सांस्कृतिक केंद्र, यह भी अभी निर्माणावस्था में है, सार्क सांस्कृतिक केंद्र। मालदीव मित्रों, यहां पर भी एक सेंटर है सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर, कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर मतलब कोस्ट माने तटीय, तो तटीय जोन जो क्षेत्र होते हैं उसके रख रखाव मैनेजमेंट, उसका सेंटर मालदीव में बनाया गया है, क्योंकि ये समंदर के बीच में अकेला है, यद्यपि श्रीलंका भी है लेकिन ये कोस्टल एरिया का ही है। तो यहाँ पर बनाया गया है मालदीव में कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर। आप ऐसे रटेंगे मित्रों तो एकदम भूल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। गरीब नेपाल में गरीबी यानी टीबी और सूचना, बांग्लादेश चूंकि मुख्य रहा है, इसमें कर्ता धरता रहा है बहुत सार्क में, तो इसलिए वहाँ पर दो मुख्य केंद्र है,
कृषि केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र, ठीक है। इंडिया में तीन है ही है, सबसे मेन मेन तीनों है, विश्वविद्यालय है, सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, और दो सातों देशों में जितनी तबाही होती है आठों में उसका मैनेजमेंट सेंटर है। यहाँ कोस्टल हो गया, पाकिस्तान में एकदम पलट है, उल्टा है, ऊर्जा केंद्र है और मानव संसाधन विकास केंद्र है। जी हाँ, दो हमारा हो गया निर्माणाधीन है, यहाँ पर वानिकी, क्योंकि यहाँ पर जंगल अच्छे अच्छे हैं, पहाड़ बहुत अच्छे हैं, इसलिए वानिकी केंद्र। यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका, श्रीलंका सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पर निर्माणाधीन है। तो ये मित्रों 7-8 पॉइंट खास करके कितने हो गए, दो दो चार पाँच छः सात 10 12। अफगानिस्तान में अभी तक कोई सेंटर ऐसा नहीं है। तो सार्क देशों के बारे में हमने देखा मित्रों कि 7 देश हैं, 8 देश अफगानिस्तान को लेकर, 8 देश। अब इसके बारे में, आठों देशों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, किसी किसी को बहुत डीप में जानेंगे। जैसे हमारा सेकंड पार्ट आज के बाद आएगा बांग्लादेश कैसे बना, फिर श्रीलंका का क्या इतिहास है, ये लिट्टे तमिल टाइगर और ये तमिलनाडु है ना, प्रभाकरण, और सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तब हम विश्व को अच्छी तरीके से समझने समझेंगे मित्रों। अभी तो एशिया है, एशिया के मात्र 7-8 देश हैं, अभी एशिया में हमको 2500 देश पढ़ना है। ठीक है मित्रों, अब आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, बिल्कुल इंतजार रहता है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब करिए, और पसंद आ रहा है, वास्तव में लग रहा है कि नहीं हमको आगे पढ़ना है, अच्छा लग रहा है, तो मित्रों शेयर करिए, खूब लाइक्स करिए। जी हाँ, तभी समझ में आएगा कि मुझे मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो अगर परंपरागत ढंग से चलना है तो नक्शा करके मैं यहाँ वहाँ करके कुछ भी बता सकता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।